नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। जी हां, आज हम बात करेंगे नए जामताड़ा की। जामताड़ा का नाम आते ही साइबर धोखाधड़ी करने में जो माहिर लोगों की बात सामने आती है, और जिस तरह से कोरोना काल से जो जामताड़ा में लगातार जिस तरह से साइबर क्राइम किए जाते थे, उसका क्षेत्र जो है लगातार बढ़ा है। और ख़ास तौर पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कई इलाके जो हैं साइबर फ्रॉड के केंद्र बने हैं, और इसको लेकर हरियाणा पुलिस ने पिछले एक महीने से लगातार जो है इसकी तैयारी की जा रही थी हरियाणा पुलिस द्वारा। और हरियाणा पुलिस ने जो है छापेमारी की और करीब 300 जगहों पर छापे मारे गए, 125 जो हैं साइबर क्रिमिनल को पकड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें जो 102 टीम और 5000 से अधिक जवानों को इसमें लगाया गया, और जो एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, ये एरिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में भरतपुर और यूपी में मथुरा के साथ नूह और उसके सीमावर्ती इलाके साइबर अपराध के नए आकर्षण के केंद्र के रूप में उभरे हैं। और पुलिस के लिए इन बदमाशों को, यानी जो साइबर क्रिमिनल्स थे, उनको पकड़ना एक चुनौतीपूर्ण कदम था, क्योंकि यहाँ अलग अलग राज्यों के मोबाइल सिग्नल पकड़ते हैं। और इस ऑपरेशन को जो अंजाम देने के लिए खास तौर पर तैयारी की गई थी, और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन गांव में छापेमारी की गई, उनमें कई ऐसे गांव हैं, खेड़ला, लोहिंगा खुर्द, लोहिंगा कलां, गोगलपुर, गोधोला जैसे गांव हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का जो नेतृत्व किया गया, उसमें दो लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे, जिसमें नूह के एसपी वरुण सिंगला थे जो कि नेतृत्व कर रहे थे, इनके साथ 6 एडिशनल एसपी और 14 डीएसपी इसमें शामिल थे। और सबसे जो खास बात है उसमें है कि 4 से 8 अप्रैल तक जो 5000 जो कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को लगाया गया था इस ऑपरेशन में, उसको विशेष तौर पर ट्रेनिंग जो दी गई थी और भोंडसी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित किया गया था, ताकि जो है इन पर नकेल कसा जा सके। और सबसे जो जो नया ट्रेंड है ये है, जो हिरासत में लिए गए हैं जो सभी 125 लोग जो हैं वो पुरुष हैं, और उनकी आयु जो है करीब 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। और लगातार जो है पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। साथ ही साथ पिछले एक साल में हरियाणा पुलिस की साइबर सेल ने नूह के 40 गांव में लगभग 5,00,000 सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं। और इस कार्रवाई से जो महत्वपूर्ण बात जो हुआ है, उसमें अब साइबर क्रिमिनल पर नकेल कसा जा सकेगा, और इसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो जिस तरह से नए जामताड़ा के रूप में हरियाणा का ये जगह उभर रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जो हरियाणा पुलिस ये चाहती है कि इनको जो है पूरे उनकी जो ढांचा है उसको ख़त्म कर दिया जाए।